सीरियसली इस मूवी को 2 बार देखना पड़ेगा कम से कम, तब जाके इसकी कहानी समझ में आएगी। और जो लोग अपना दिमाग यूज करने से डरते हैं तो वो प्लीज इस मूवी से दूर रहे, क्योंकि तुम्हारे बस की नहीं है यार ये मूवी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ टेनेंट मूवी के बारे में। इसे राइट और डायरेक्ट एक ही इंसान ने किया, क्रिस्टोफर नोलन ने। ये वही इंसान है जिन्होंने द डार्क नाइट ट्रायलॉजी, इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, द प्रेस्टीज जैसी जबरदस्त मूवीज ये बना चुके हैं। अब देखो यार, मुझे लगता है कि क्रिस्टोफर नोलन का जो सब फेवरेट सब्जेक्ट टाइम रहा है, वो अपनी मूवी के अंदर टाइम इतना इन्वॉल्व कर देते हैं कि यार उसको समझने के लिए दिमाग का मतलब भरता बन जाता है। अब आप ऐसे ही देख लो, इंसेप्शन मूवी को देख लो, इंटरस्टेलर मूवी को देख लो, फिर भी ये तो कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों को ये समझने में दिक्कत आई है तो ये तो कुछ भी नहीं है। टेनेंट इस मूवी, ये जो टेनेंट मूवी है वो तो इनके मतलब बहुत आगे की मूवी है यार। चलो अब थोड़ा सा कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो यार, ये वाली जो लाइन बोलने के लिए मुझे बहुत ज्यादा हिम्मत जुटानी पड़ी, क्योंकि यार मैंने बोल तो दिया कहानी के बारे में बात कर लेते, लेकिन कुछ समझ तो आना चाहिए ना कि कहानी क्या थी उस मूवी में। फिर भी कोशिश करता हूं। एक लड़की है, उसने कुछ ऐसी चीज बना ली है जिससे पूरी दुनिया को पास्ट में ले जाया जा सकता है। अब कुछ लोग उस चीज को पाना चाहते हैं। अब उन्होंने इतनी तो महारत हासिल कर ली है कि वो फ्यूचर में, या फिर फ्यूचर से नहीं कि भी टाइम को, थोड़े बहुत टाइम को वो रिवर्स कर सकते हैं, मतलब पास्ट में जा सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। इसके अंदर जो टाइम ट्रैवल है, या जो टाइम की जो इसमें गुत्थी दिखाई गई है, वो थोड़ी सी अलग दिखाई गई, थोड़ी क्या बहुत ही अलग दिखाई गई है। इसमें टाइम तो रिवर्स जाते ही जाते हैं, मतलब इसमें रिवर्स चलता हुआ भी दिखाया जाता है। एक साथ 2 टाइमलाइन चलाई गई है। वो यार देखो यार, समझाने में शायद मुझे थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम हो रही होगी। ये तुम देखोगे ना तभी एक्सपीरियंस करोगे। यार वही कहा ना मैंने बोल तो दिया कहानी की बात करते, लेकिन कहानी तो तब बता पाऊंगा ना यार जब कुछ समझ में आई। और देखो, टाइम बेस्ड मूवी को इतना आसान भी नहीं है समझना। इसके लिए बकायदा दिमाग की एक्सरसाइज हो जाती है, जो बहुत कम लोग करना पसंद करते हैं। देखो, जो टाइम बेस्ड जो मूवीज होती हैं जिनके अंदर टाइम पैराडॉक्स दिखाया जाता है, वो एक तरीके से काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाती है। लेकिन सबसे वीक और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये टाइम बेस्ड कॉन्सेप्ट समझाना ही है। मतलब कि अगर ये समझा पाए तो मूवी बहुत अच्छी, अगर ये इन्होंने इसी में पजल करके रख दिया तो भाई साहब ये इसका वीक पॉइंट भी होता है। और मैं गारंटेड कहता हूं कि आप ये मूवी जब देख रहे होगे, आपको डार्क सीरीज की याद आ जाएगी, डार्क कि वो तीनों सीजन याद आ जाएंगे, जब आपको इतना भयंकर तरीके से 33 साल पीछे जाना, ये जाना, मतलब इतना वो पागल करने वाले वो कॉन्सेप्ट था उसके अंदर, उसको समझने के लिए बकायदा उसके अंदर 3 सीजन थे। पहले 2 सीजन में तो बहुत ज्यादा उसमें कंफ्यूजिंग क्रिएट होती है, तीसरे सीजन में हमें जाके जवाब मिलते हैं। लेकिन मतलब सोचो उस चीज को अगर 2.5 घंटे में करना, क्योंकि टेनेंट जो मूवी है वो 2.5 घंटे की मूवी है, और उसके अंदर ये टाइम पैराडॉक्स दिखाना, उसकी वो पजल को दिखाना, फिर उसको सोल्व करके हमें दिखाना, तो यार ये बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। अब जैसे कि मैंने कहा कि इस मूवी में 2 टाइमलाइन एक साथ चलती हैं, यानी प्रेजेंट के अंदर ही एक तो प्रेजेंट जो है वो आगे आगे चलता है, और उसी प्रेजेंट में पास्ट दिखाया जाता है। एक तरीके से समझो एक शीशा है, इधर पैरेलल जो मतलब पैरेलल चीजें चलेंगी, इस शीशे के एक साइड ही यहां पे प्रेजेंट चल रहा है, इसमें चीजें आगे आगे चल रही हैं, और इसमें जो है वो चीजें पीछे पीछे चल रही हैं। तो यार ये वाली जो चीज इन्होंने दिखाया ना, एक अलग ही तरीके का, एक अलग ही अनुभव यहां पर हमें देखने को मिलता है। और साथ ही साथ ये बहुत सारे सवाल हमारे सामने खड़े भी कर देते हैं, क्योंकि यार कुछ चीजें ऐसी थी, कुछ क्या इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जो हमारे मतलब हमें उसका जवाब चाहिए था। ये चीज हो क्यों रही है, कैसे हो रही है, कौन कर रहा है, मतलब वो सारी चीजें इसमें दिखाई नहीं गई। और मुझे लगता है कि जो इसका नाम है टेनेंट, वो भी रिवर्स करके लिखा गया है, TEN, फिर बाद में ETN को रिवर्स करके, मतलब मेरा ऐसा मानना है। और जो टेनेंट मूवी के जो डायलॉग हैं यार, वो बहुत ज्यादा अच्छे लगे मुझे। उसके अंदर जो वन लाइनर थे, या फिर उसे कहेंगे कि हाजिर जवाबी थी। फॉर एग्जांपल जो है उसमें हमारा जो मेन हीरो है, वो ये कहता है कि यार उससे जो मतलब किसी रशियन गुंडे से जाके मिलता है, तो रशियन गुंडा उसे बहुत नाराज होता है, तो वो उसे कहता है कि तुम मरना कैसे चाहेगा, तो ऑब्वियसली उसका जवाब होता है बुढ़ापे से। यार ये वाली जो हाजिर जवाबी वहां देखने को मिलती है ना यार, बहुत ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि यार ये वाली चीजें भी इसमें कॉमेडी भी इस तरीके को देखने को मिल जाएगी, और काफी जगह मिलती भी है ये चीजें। और सबसे ज्यादा तारीफ करनी होगी इसके सिनेमेटोग्राफी की, जो इसमें जो एडिटिंग की गई है यार, उन्होंने वो कैसे किया होगा वो सोच कर ही मेरे सर में दर्द हो रहा था यार, ये चीजें इन्होंने दिखाई कैसे। और इसके अंदर फिर एक्शन जो फाइटिंग सीन दिखाने होते हैं, रिवर्स में जो फाइटिंग सीन दिखा रहे होते हैं, और जो चीजें एक एक करके पीछे की जो चीज हमें स्टार्टिंग में जो चीज दिखाई जाती है, लास्ट में जाके उसका कनेक्शन हमें उससे दिखाया जाता है कि वो चीज क्यों हुई थी। अब देखो यार, शायद मेरी बात सुनकर आप पजल हो जाओ, बट क्या करें यार, ये मूवी खुद पजल है। और अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करूं तो यार जो परफॉर्मेंस इसमें दी गई है यार, तुम सोचो कि वो उस चीज को उन्होंने कैसे प्ले किया होगा, उन्होंने कैसे उसको निभाया होगा यार, मतलब इसको तुम देखते ही तुम इंजॉय करोगे। मैं शायद उन शब्दों में, मेरे पास वो शब्द नहीं है प्रॉपर इसको सही से डिफाइन करने के लिए, बट यही कहूंगा यार तुम इसको देखो, तभी तुम्हें फील होगा कि हाँ एक्चुअल में क्या काम किया गया है। अगर तुम्हें ये मूवी समझ भी ना आए ना, फिर भी तुम इसे 100% इंजॉय करने वाले हो। इसके 2.5 घंटे बीत जाने के बाद भी तुम्हें लगेगा यार ये थोड़ी और ज्यादा दिखानी चाहिए थी, वही होता है ना दिल मांगे मोर, ऐसी आपको फीलिंग आएगी। और इसकी जो एंडिंग की बात करूं यार, वो इतनी ज्यादा कंफ्यूजिंग है
कौन क्या क्या हो रहा है, वो फिर वो कुछ समझ नहीं आता है। मतलब कि इसमें दो टीम, इसके लास्ट में दो टीम, मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा हूं, मतलब टेंशन ही ना लो क्योंकि स्पॉइलर तो तब दूंगा ना यार, तो मुझे कहानी समझ में आई होगी। मैं एक छोटा सा एक सीन डिस्कस कर रहा हूं कि लास्ट में जो है दो टीम चल रही होती है, और दो टीम में एक टीम जो है वो मतलब प्रेजेंट में सीधी चल रही होती है और एक टीम उल्टी चल रही होती है। अब उल्टी टीम में से चलता हुआ एक इंसान सीधी टीम में जाके सीधा चलने लग जाता है, और फिर ही उसी सीधी टीम से निकलकर वो इंसान उल्टी टीम में जाके वापस उल्टा चलने लग जाता है। कंफ्यूज हुए ना यार, मैं भी बहुत ज्यादा हुआ था। बस यही कहना चाहूंगा कि यार तुम ज्यादा दिमाग मत लाना, जो चीज हो रही है उसको एंजॉय कर लेना। और इसके सोने पे सुहागे वाली बात होती है, जो इसका साउंड इफेक्ट जो इसमें दिखाया यार, जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है जो इसका साउंड चलता है यार, कमाल का होता है। आप एक पल भी इसका मिस नहीं करना चाहोगे। अब इतना बता देने के बाद अगर तुम ये सोच रहे हो कि यार मैंने कोई स्पॉइलर दे दिया, तो नहीं यार मैंने नहीं दिया। जैसे मैंने पहले कहा कि यार स्पॉइलर तो तब दूंगा ना यार जब खुद मूवी समझ में आई होगी। यार एक बार में ये मूवी नहीं आई समझ में, और सच कह रहा हूं यार, इसका लास्ट का जो सीन था ना यार, उसका 1% भी पल्ले नहीं पड़ा मेरे। मैंने क्या चल रहा है, कौन है, किस साइड से है, कौन भाग रहा है, कहां कहां से निकल के आ रहे, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा मेरे को। बट फिर भी इस मूवी को मैंने फुली एंजॉय किया। और काम किसे कहते हैं यार, सच में जो हमारे सामने धीरे धीरे चीजें निकल के आती हैं यार, यार इस इंसान ने, क्रिस्टोफर नोलन जाने इसीलिए जाते हैं कि यार उतना वो कंफ्यूजिंग चीज हमारे सामने रख के देते हैं कि यार बेटा अजय देख के मतलब इसको कर समझ के दिखाओ हमको। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 9 out of 10 स्टार। अगर किसी ने मूवी देख रखी तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी। अगर नहीं देखी तो वेट किस चीज का कर रहे हो यार, जाकर देखो, इतनी खूबसूरत मूवी है। और सच में यार आप काफी टाइम बाद एक ऐसी मूवी देखी है जिसको दिल से सेटिस्फाई हुआ हूँ यार। हाँ यार ये चीज थी, इसी का वेट था, मतलब धन्य हुआ यार मैं जो ये चीज मैंने देखी। तो बस आज के लिए इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।